हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन तो हम डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ क्लास एट जो आपका साइंस है फॉर असेसमेंट तो नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे दैट इज़ रीचिंग एज ऑफ एडोलशन और इसके मार्क्स हैं हमें समेटू असेसमेंट तो में फाइव मार्क्स चलिए यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पहले देख लेते हैं यहाँ पे पहला है द पीरियड ऑफ मैच्योरिटी ऑफ मैच्योटीज इज़ कॉल्ड तो उसको क्या कहते हैं दैट इज कॉल्ड एडोलशनस पीरियड यहाँ पे देखिए एडोलशनस पीरियड इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यूबिटी एज इन फीमेल इज टेंट टोटी ए ट मोर दैन तो इसका आंसर रहेगा दैट इज टू टूवेल्व ये एज रहती है फीमेल्स में प्यूबिटी की इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा देर आर ड पेयर्स ऑफ इन ह्यूमन सेल्स कितना है ट्वेंटी थ्री फोर्टी सिक्स ट्वेंटी टू या फोर्टी फोर आंसर रहेगा ट्वेंटी थ्री क्रोमोजोम होते हैं ह्यूमन सेल्स में द फिजिकल एंड मैंटल वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड एड इंडिविजुअल्स तो फिजिकल और मैंटल वेलबींग यानी दोनों ठीक ठाक होने चाहिए उसको क्या कहते हैं हेल्थ डिसऑर्डर ग्रोथ या नर्चिन दैट इज कल्ड हेल्थ यानी उसकी फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए दैट इज कल्ड हेल्थ इसके बाद जो है एग इज डिश एग क्या होता है एग गमीट फीमेल गमीट मेल गमीट या मेल गमीट ये आप याद रखेंगे एग जो कि फीमेल से आता है नेक्स्ट है सेवनथ इनिशियली गर्ल्स ग्रोथ दैन फास्टर स्लोअर एट सेम पीस नन पे इट इज फास्टर तो पहले पहले क्या होता है गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज़ ये रहेगा आंसर यहाँ पे इसके बाद एडोट्स शुड बी टोटली अवे फ्रॉम किससे दूर होना चाहिए कोल्ड ड्रिंक फास्ट फूड ड्रग्स या स्वीट्स तो ये है ड्रग्स दे शुड बी टोटली अवॉइड दे शुड अवॉइड दिस बिकॉज दिस इज वेरी हेल्थ कंसर्निंग इशू इसके बाद नेक्स्ट जो है विच वन ऑफ द फॉलो रिगुलज द ग्रोथ ऑफ इंडिविजुल्स ग्रोथ ऑफ़ इंडिविजुल कौन कंट्रोक होता है इंसुलिन ग्रोथ हारमोन एडोलिन या टेस्ट स्टोर तो यहाँ पर है ग्रोथ हारमोन ये वाला बी पार्ट जो है इसका आंसर रहेगा इसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चन डिफाइन प्यूबिरटी आ सकता है द प्रोसेस बाई विच अ चाइल्ड बॉडी इवाल्वज़ इन टू एन एडल्ट बॉडी एंड अचीव सेक्चुअल मैचोरिटी इज़ नोन एज प्यूबरिटी यानी जो एक चाइल्ड होता है फिर वो उसके बॉडी पार्ट जो है वो अचीव सेक्चुअल मैचोटी करते हैं तो वो प्यूबर्टी उसको कहलाता है विद मोस्ट चिल्ड्रन इट अकर्स जनरली अराउंड टेन टू ट्वेल्व ईयर्स ऑफ एज ये आप ध्यान रखेंगे आप फिर अपने अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है आप अपने वर्ड्स में भी आंसर फिर लिख सकते हैं इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके बाद व्हाट इज एडमज एप्पल तो एडमज एप्पल को कहते हैं तो एट प्यूबिटी ए बिगर वॉइस बॉक्स डेवलप्स इन बॉयज विच कैन बी सीन एज ए प्रोजेक्टिंग रीजन ऑफ द थ्रोट दिस इज़ रेफोट एडमज एप्पल जो कि बॉयज़ में होता है जो गले में थोड़ा बाहर निकल के आता है एक हड्डी जैसी तो वो क्या होता है दैट इज़ कॉल्ड एडमज़ एप्पल उससे जो एक वॉइस बुक जो होता है मेल बच्चों में लड़कों में आ, वो बड़ा होता है फिर वही थोड़ा बाहर निकल के भी आता है गले में दैट इज़ कॉल्ड एडमज़ एप्पल ये भी आप याद रखेंगे इसके बाद नेक्स्ट जो है डिफाइन हावमोज हारमोन्स क्या होते हैं हारमोन्स आर केमिकल सबस्टेंसिस प्रोड्यूसड एंडोक्राइन ग्लैंड्स तो एंडोक्राइन ग्लैंड से केमिकल सब्सटेंस जो निकलता है दैट्स कॉल्ड दैजकल्ड डिफाइन एडोलसेंस एडोलसेंस क्या होता है इसको डिफाइन करना आ सकता है छोटा आंसर भी आ सकता है इसका वन मार्क या टू मार्क एडोलसेंस इज द स्टेज ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी चेंजेस दैट लीड टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी यानी जब बॉडी uh, में रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आ जाती है एक जब बच्चा फिर एडोलसेंस एज में जाता है टेन तो उसमें एक मैच्योरिटी आ चुकी है रिफर्ड टू दैट इज कॉल्ड एडोसन एडोल्सन बिगन अराउंड द एज ऑफ अलेवन एंड लास्ट अंटल एज ऑफ एटीन तो स्टार्ट कहाँ से होती है एलेवन ईयर्स और कहाँ तक रहती है एटीन ईयर्स एज तक नेक्स्ट क्वेश्चन जो है व्हाट आर सेकेंडरी सेक्चुअली सेक्चुअल करेक्टर्स तो इसके बारे में आंसर जो है यहाँ पे देखिए सेकेंडरी सेक्चुअल ट्रेड्स आर करेक्टराइज दैट हेल्प डिस्टिंगश अन फ्राम वुमेन फॉर एग्जाम्पल बॉयज़ मॉस्टेच एंड बियर्ड एंड डेवलपमेंट ब्रेस्ट इन फीमेल तो ये रहता है सेकेंडरी सेक्चुअल ट्रेट्स इसके बाद जो है विच हारमोन हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्चुअल करेक्टर्स तो कौन सा हारमोन इसके लिए uh, जिम्मेवार है इन मेल्स एंड फीमेल टेस्ट स्टोरी एंड एस्ट्रो जिनज इन रेस्पेक्टिवली एड इन डेवलपमेंट ऑफ सेकेंड्री सेक्चुअल करेक्टर्स तो मेल्स में होता है टेस्टस्टोर और फीमेल्स में होता है एस्ट्रोजनस यही हारमोनस सेकेंड्री जो होते हैं सेक्चुअल करेक्टर्स वो डेवलप करते हैं इसके बाद देखिए थ्री मार्क्स क्वेश्चन भी आ सकता है यहाँ पे वट इज पिच टूरी ग्लैंड नेम द हारमोन सिक्रिटेड बाई इट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है तो द पिस्टोरी ग्लैंड इज क्या है पिस्टरी ग्लैंड इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड ये एंडोक्राइन ग्लैंड होता है दैट रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ ऑल अदर ग्लैंड इन द बॉडी सारी जो ग्लैंड है उनकी एक्टिविटी कौन मोनिटर uh, करता है कंट्रोल करता है ये एंडोक्राइन ग्लैंड होता है दैट इज पिचुटरी ग्लैंड जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड है एक्चुअली सम ऑफ द हार्मोन सिक्रेट बाय पिचुटरी ग्लैंड आर एस पॉलोस तो कौन से हार्मोन छोड़ता है ग्रोथ हार्मोन प्रोलैक्टिन एंड थार स्टोमुलेटिंग हार्मोन ये तीनों हार्मोन कहाँ से आते हैं ग्लैंड से आप जान में रखेंगे नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय टारगेट साइट टारगेट साइट क्या होता है यहाँ पे देखिए एंडोक्राइन ग्लैंड सेक्रेट हार्मोन्स इन द ब्लड स्ट्रीम इन ऑर्डर फॉर देम टू रीच ए स्पेसिफिक बॉडी पार्ट नोन एज टारगेट साइट तो एंडोक्राइन ग्लैंड से जो uh, हार्मोन सिक्टेड होता है तो उसको पर्टिकुलर पार्ट में जाना होता है थ्रू ब्लड स्ट्रीम तो उसको कहते हैं हम टारगेट साइट टारगेट साइट इज रेस्पॉन्ड टू हारमोन्स इन वेरियस वेज और फिर अकॉर्डिंगली वो रेस्पॉन्ड करते हैं टारगेट साइट नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द रिप्रोडक्टिव फेज इन ह्यूमन इस पे भी, भी आ सकता है क्वेश्चन हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो आगे जाएंगे हम इसके बाद है यहाँ पे देखिए uh, यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय मैंसूरेशन के बारे में नॉर्मल वेजीनल ब्लीडिंग डैट है पार्ट ऑफ वुमन इज मंथली साइकिल इज नोन एज मैंसुरेशन पीरियड तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन आ सकता है सुमाल इसके बाद व्हाट इज मेनार्क तो द फर्स्ट साइकिल इन ए फीमेल एडोल्शन इज नोन एज मेनार्क तो इसके बाद देखिए मेनोपाज क्या होता है मीनोपाज ये इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला मीनोपाज ये रह सकता है मेनोपॉज इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द एंड ऑफ ए इज मैंसोरेशन साइकिल जब यानी वुमेन में जब मैंसोरेशन साइकिल खत्म होता है एक पर्टिकुलर एज के बाद यानी फोर्टीज़ के बाद तो मेन उसको मेनोपाज़ कहते हैं मेनोपाज़ कोड हिट इन द फोर्टीज़ और फिफ्टीज ये चालीस से लेकर पचास जब एज हो जाती है वुमेन में तो ये फिर वहाँ पे मीनोपाज हो जाता है तो ये डिफरेंट रहता है इसके बाद देखिए हारमोनस और इनके यहाँ पे क्या क्या काम ये इम्पोर्ट रह सकता है ऑब्जेक्टिव यहाँ पे इनका आंसर देखेंगे हारमोन देखिए पहला है थायरोजिन तो ग्लैंड किससे निकलता है थायराइड से और इसका काम क्या होता है कंट्रोल ओवरऑल मेटाबॉलिक रेट ऑफ बॉडी तो ये थायरोगजिन का काम होता है फिर इंसुलिन निकलता है दूसरा ये कहाँ से निकलता है इट कम्स फ्राम पेनक्रिया तो क्या काम है इसका कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल तो ये इंसुलिन का काम है जो पेनक्रिया से निकलता है इसके बाद नेक्स्ट जो है एड्रन एडनलिन जो एड्रिनलिन है जो ये कहाँ से निकलता है इट कम्स फ्रॉम द एड्रीनल तो इसका काम क्या है प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर फाइट फाइट और फ्लाइट इसके लिए ये रेडी यानी जब भी कभी uh, गुस्सा आ जाता है कोई बॉडी uh, को एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो उस टाइम आपके बॉडी से कौन सा स्ट्रक्चर होता है दैट इज एडनलिन इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ देखिए व्हाट आर सेक्स हारमोन यहाँ पे देखिए सेक्स हार्मोन इज केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूसड बाय सेक्स ग्लैंड और अदर आर्गो दैट अफेक्ट एन ऑर्गनिज्म सेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल ह्यूमन सेल्स देयर आर ट्वेंटी थ्री पेयर्स ऑफ द सेक्चुअल क्रोमोजोम एक्स एंड वाई आर टू ऑफ दीज क्रोमोजोम मेल हैव वन दैट इज एक्स एंड वन वाई क्रोमोजोम वाइल फीमेल तो जो सेक्स क्रोमोजोम आपको पहले पता है जो मेल और फीमेल्स में होते हैं तो मेल्स में क्या होते हैं एक्स और वाई होता है और फीमेल्स में दोनों क्या होते हैं दैट इज एक्स क्रोमोजोम टोटल कितने पेयर्स होते हैं ट्वेंटी थ्री पेयर्स ये आपने पहले पढ़ा तो इसको थोड़ा आप ध्यान में रखेंगे या आप अपने वर्ड्स में भी फिर लिख सकते हैं वहां पर अगर सेक्स हारमोन के सेक्स क्रोमोजोम के बारे में वहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है इसके बाद देखिए वाई आर ड्रग्स हार्मफुल टू ह्यूमन बॉडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ देखिए द इफेक्ट ऑफ ड्रग्स कैन डिफर फ्रॉम वन पर्सन टू नेक्स्ट drugs can have both short and long-term consequences physical and psychological problems as well as dependency can occur the more you use a drug uh, the more likely it is that you may develop a tolerance to its side effects the central nervous system of your body is affected by drugs they have an impact on how do you think feel and act three major types of drugs are depressant stimulant and wahan pe hello hello sygna si ये आपकी बॉडी को अफेक्ट करते हैं फिर बॉडी डिपेंडेंट भी हो जाती है इस पर यह भी इसके मुजर असरात है और फिर जो इसमें आ सकता है कि बॉडी में जो इसके टॉलरेंस बढ़ जाती है तो इट साइड इफेक्ट जो इनके होते हैं और तीन मेन किस्म के आ सकते हैं जो ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है कौन तीन किस्म के जो ड्रग्स हैं एक तो है डेप्रेसेंट दूसरा है स्ट्यूमलेंट और तीसरा है एच आई वी काफिशंसीड्रोम दैट एड्स ए क्रोनिक पोटेंशियली फैटल डिजीज़ जो कि क्रोनिक भी है और फैटल यानी इसमें मौत भी वाक़ा हो सकती तो है एच आई वी सेक्चुअली ट्रांसमिट इलनेस दैट अफेक्ट बोथ मैन एंड वूमेन तो ये सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है दोनों को हो सकती है मैन एंड वूमेन को इट कैन ऑल्सो बी पास फ्रॉम मदर टू चाइल्ड जूरिंग प्रेगनेंसी तो बच्चे से बच्चे को भी लग सकती है जो माँ के पेट में पड़ रहा होता है जूरिंग प्रेगनेंसी चाइल्ड बर्थ और ब्रेस्ट फीडिंग एंड बाई इवन चाइल्ड बर्थ और ब्रेस्ट फीडिंग से भी हो सकता है एंड बाई कंटैक्ट विद इन्फेक्ट ब्लड थ्रू इन्फेक्टेड ब्लड ये ट्रांसमिट हो सकता है जो कि सरेंजस वगैरह जो उनकी सुई होती है ऑल दो देयर इज़ नो क्योर फॉर एच आई वी ड्रग्ज कैंसि डिक्रीज द डिजीज कोर्स हालांकि इसका मुकम्मल कोई इलाज नहीं है लेकिन इसकी जो डिजीज इस बीमारी का कोर्स उसको कम किया जा सकता है विद ड्रग्स दवायाँ खा के एड्स वीकनेस आवर इम्यून सिस्टम ये लास्ट में हमारे इम्यून सस्टम को जो है जो फाइट करता है जरासीमी खिलाफ़ उसको कमज़ोर कर देते हैं फॉलोइंग है फीवर हैड एक मसल एक ज्वाइंट पेन रैशेज और वेट लॉस ये कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं जो एड्स को यहाँ पे दर्शा सकते हैं हाउ इज सेक्स ऑफ ए चाइल्ड डिटरमाइनड तो ये मॉडल पेपर में भी आया तो यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आप यहाँ पे देखेंगे इन द न्यूक्स ऑफ ऑल ह्यूमन सेल्स देयर आर ट्वेंटी थ्री पीयर्स ऑफ ह्यूमन क्रोम पहले पता है ट्वेंटी थ्री पेयर्स ऑफ हैं इसके बाद आपको लिखना है द सेक्स क्रोमोजोमोम देयर इज जस्ट वन सेट ऑफ क्रोमोजोम एक्स क्रोमोजोमेज प्रेजेंट इन एन अनफर्टिलइज एग हाउरम्रोमोजोम क्रोमोजोम इज फाउंड अदर जूरिंग फर्टिलजेशन इफ द एक्सक्रोमोजोम आफ द फीमेल एग कमाइज विद द एक्स क्रोमोजोम आफ मेल इट डेवलप फीमेल चाइल्ड एंड इफ एक्सक्रोमोजोम आफ द फीमेल एग कमाइज विद वाई क्रोमोजोम मेल इट डेवलप मेल चाइल्ड तो कुल मिला के आपको लिखना है कि जो दो जो इनमें से जो दो किस्म एक्स एंड वाई क्रोम मेल में एक्स और वाई होता है और फीमेल में दोनों एक्स और एक्स होते हैं और अगर फीमेल का एक्स और मेल का वाई तो फिर वहाँ पे मेल बेबी होगा अगर मेल का भी एक्स और फीमेल का भी एक्स क्रोम जो वहाँ पे इकट्ठे या फ्यूज होते हैं देन इट विल बिकम ए फीमेल बेबी यहाँ पे आपको ये लिखना ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है इसको आप Uh, मैंने पहले कहा कि अगर कॉन्सेप्ट आपको है तो आप वहाँ पे अपने वर्ड्स में भी आंसर को लिख सकते हैं ये ज़्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं होने वाला है इसके बाद इम्पोर्टेंट और एक क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए वाई शुड एडोलसन हैव अ बैलेंस डाइट जो एडोल्सन uh, है तो उनको हेल्दी फूड या बैलेंस डाइट एक्चुअली इसको कहेंगे क्यों जरूरी है यहाँ पर देखिए एडोलसन इज़ ए पीरियड ऑफ रैपिड डेवलप एंड ग्रोथ रेगुलर हेल्थी डाइट इज रिक्योर टू अचीव ऑप्टिम फिजिकल मेंटल एंड इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल वेलनेस यानी जो ये बच्चे होते हैं जो एडोल्ट एज में चले जाते हैं तो उस टाइम सबसे ज़्यादा बॉडी में ग्रोथ होती है और इसके लिए आ, मौजून गज़ा की ज़रूरत है यानी तमाम जो प्रोटीनज़ मिनरल्स वाइटामिन फैट्स वगैरह जो भी हैं वो बॉडी को मिलने चाहिए ताकि जिसमानी और मैंटली यानी फिज़िकली और मैंटली भी इस बच्चे में अच्छी ग्रोथ हो एज ए रिजल्ट एन एडोल्टन न्यूट्रिशन मस्ट बी केयरफुली प्लानड इसलिए एडोल्टन जो बच्चे होते हैं इनका न्यूट्रिशन जो है इनका डाइट बिल्कुल वेल well प्लान होना चाहिए यानी हर एक चीज इनको मिलनी चाहिए इनकी बॉडी को ए बैलेंसड डाइट इज़ वन विच इन विच द प्रोटीनज़ कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स एंड आर ऑल प्रेजेंट इन द प्रॉपर प्रॉर यानी इनकी बॉडी जो एडोल्ट बच्चे उनको प्रोटीन भी मिलने चाहिए इनकी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट फैट्स और वाइटामस तो जिस खाने में जिन जिन खानों में ये सारी चीज़ें अगर मिल जाएंगी बच्चों को अलग अलग खाना खा के तो उसको हम कहेंगे दिस इज अ बैलेंसड डाइट इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो है दैट इज़ केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और हमारे समेटो असेसमेंट में आपको क्लास एथ में फोर मार्क्स रखे गई हैं यहाँ पे देखेंगे स्मॉल uh, जो आ सकते हैं सम वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन या एमसीक्यूज़ पहला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉपर वुड डिस्टल वाटर या नन ऑफ द तो आपको पहले पता है कॉपर कॉपर इसमें रहेगा कॉपर इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस डैश डैश फील्ड तो क्या फील्ड करता है केमिकल मैगनेट या फिजिकल या कॉम्प्लेक्स तो ये आपको पता ही होगा इट्स क्रिएट मैग्नेट फील्ड इफ मैगनेट फील्ड इलेक्ट्रिक करंट से प्रोड्यूस होता है नेक्स्ट जो है द पाथ थ्रू विच एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इज कॉल्ड जिस रास्ते से इलेक्ट्रिक करंट गुजरते उसको क्या हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पाथ इलेक्ट्रिक रिले शॉर्ट सर्किट या इलेक्ट्रिक सर्किट तो यहां पे आंसर रहेगा इलेक्ट्रिक सर्किट जो आपका लास्ट वाला है दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट यहां से करंट गुजरती है नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलईडी ये इंपॉर्टेंट रहेगा ये ऑब्जेक्टिव एलईडी क्या होता है लाइट इमिटिंग डायोड लाइट इलेक्ट्रिसिटी डिवाइस लार्ज इमिटिंग डिवाइस या लार्ज इलेक्ट्रिसिटी डायोड तो पहला ही है लाइट इमिटिंग डायोड जो ए पार्ट है आपका लाइट इमिटिंग डायोड वो आंसर है एल ई डी का इसके बाद नेक्स्ट जो है इफ़ यू पास करंट थ्रू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन कॉपर गेट डिपॉजिटेड ऑन द प्लेट कनेक्टेड टू डैश डैश टर्मिनल ऑफ द बैटरी तो क्या होता है इसमें उसमें होता है नेगेटिव जी हाँ नेगेटिव यहाँ पे आंसर रहेगा नेगेटिव टर्मिनल ऑफ़ द बैटरी अट्रैक्ट कॉपर आय आयस एंड हैं कॉपर विल गेट डिपॉजिटेड ऑन द प्लेट ये ये ऑब्जेक्ट थोड़ा आप जहन में रखेंगे ये हिट हो सकता है चलिए नेक्स्ट जो है गिव गिवी टू ऑफ गुड कंडक्टर्स तो ऑल मेटल एग्जाम्पल गोल्ड कॉपर आयरन आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और यहाँ पे देखिए गिव एनी टू एग्जाम्पल इंसुलेटर्स इंसुलेटर्स यानी जहाँ आप करंट uh, से बच सकते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ इंसुलेटर्स आर रबर वुड एंड प्लास्टिक जहाँ जिन चीज़ों में से इलेक्ट्रिक करंट नहीं गुजरती दैट आर कॉल्ड इंसुलेटर्स चलिए इसके बाद गिव एग्जाम्पल्स ऑफ एनी टू इलेक्ट्रोलाइट्स इलेक्ट्रोलाइट्स दो के हमें एग्जाम्पल देने हम लिखेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ टू इलेक्ट्रोलाइट्स आर कॉपर एक तो कॉपर सल्फेट जो है हमारा दूसरा है सोडियम क्लोराइड दीज आर टू एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इसके बाद नेम एनी टू मेटल यूज फॉर इलेक्ट्रोपलेटिंग इलेक्ट्रोपलेटिंग में कौन से दो मेटल यूज होते हैं गोल्ड एंड सिल्वर क्योंकि इनकी हम फिर इलेक्ट्रोपलेटिंग हैं इनकी परत तो दूसरे मेटल्स पे चढ़ा सकते हैं तो गोल्ड एंड सिल्वर क्रोमियम आर द मेटल यूज फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग शॉर्ट आंसर जो आ सकता है क्योंकि इसके चार मार्क्स या तीन मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है पहला है डिफाइन इलेक्ट्रोपलेटिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये डिफाइन इलेक्ट्रोपलेटिंग आंसर क्या रहेगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग ए लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन एनअदर मेटीरियल यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी तो किसी भी मेटल पे हम दूसरी मेटल uh, की परत चढ़ा सकते हैं जैसे सोनी की परत या जो सिल्वर की परत चढ़ा सकते हैं दूसरे मेटल पे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रो पलेटिंग ये आप अपने वर्ड्स में भी, भी लिख सकते हैं दूसरा राइट वन यूज ऑफ इलेक्ट्रो ये कहाँ यूज होता है इलेक्ट्रो क्यों हम कहते हैं आंसर है इलेक्ट्रिक प्रोडक्टिंग इज मोस्टली यूज इन इंडस्ट्री टू कोट मेटल प्रोडक्ट्स विद ए थिन लेयर ऑफ डिफरेंट मेटल दैट हैज ग्रेटर वैल्यू पहले मैं कैच कौन हूँ सोनी के प्रथम चढ़ाते हैं किसी दूसरे मेटल पे या जो आ, सिल्वर है ये आ, उस इंडस्ट्री में यूज होता है खासकर अगर ज्वेलरी की वहाँ पे बात करेंगे इसके बाद ट्वेल्थ है वाई रबर एंड प्लास्टिक डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी तो रबर और प्लास्टिक के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं जाती है यहाँ पे आंसर बिकॉज दे आर नॉट एन दे डू enable एनेबल इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू them क्योंकि उनमें से नहीं गुजर सकती है रबर एंड प्लास्टिक डो नाट कंडक्ट इलेक्ट्रिस क्यों बिकॉज दे आर बैड conductors प्लास्टिक और रबर दोनों बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है प्लास्टिक एंड रबर एक्ट एज इंसुलेटर्स तो उनका नाम है इंसुलेटर्स यानी जो तार के ऊपर भी फिर होता है हमें बचाने के लिए करंट की जो रबर कोटिंग होती है ताकि हमें वहाँ पर करंट ना लगे बिकॉज दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो ये आपका इसमें रहेगा इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ सकता है वो आपको यहाँ पे देखिए वाई यहाँ देखिए वाई इज इट राइट टू से पुअर कंडक्टर्स इंस्टेड ऑफ बैड कंडक्टर्स ये भी आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे लेकिन यहाँ पे जो है डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ एल ई डी एल ई डी कहाँ पर आप यूज़ करते हैं एल ई डी स्टैंड फॉर लाइटिंग डायउ एंड इट इज टू डिटेक्ट वीक करंट इन सर्किट यहाँ पे वीक होता है एल ई डी हैजू इज स्लाइटली लॉन्गर दैन द अदर तो एक इसकी तार जो छोटी होती है द लॉन्गर लेड इज़ेज़ कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मल जो लॉन्गर लीड होती है इसकी वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ी होती है ऑफ द बैटरी वाइल द शॉर्टर लीड इज़ ऑलवेज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्म ये आप लिख सकते हैं वहाँ पे अच्छा यहाँ पे देखिए छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है लेकिन इंपॉर्टेंट है टैप वाटर इज कंसिडर्ड ए गुड कंडक्टर क्यों सिंस टैप वाटर इज नॉट प्योर इट डज नॉट इंक्लूड मनी मिनरल्स साल्टज दैट आर नैचुरली डिजॉल्वड इन इट मेकिंग इट अ गुड कंडक्टर क्योंकि ये जो टैप वाटर इसमें नेचुरली जो होते हैं इट डज इंक्लूड इसमें होते हैं मिनरल साल्ट बहुत किस्म के सॉल्ट जो नेचुरली इसमें होते हैं इस पानी में और वो इसको क्या बनाते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसके बाद यहाँ पर देखिए और एक क्वेश्चन है डिस्कल्ड वाटर इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जस्टिफाई आपको इसके मुद्दे लिखना है कि डिस्टल्ड वाटर जो है क्या वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है तो हम लिखेंगे यहाँ पे आंसर द प्योरेस्ट टाइप ऑफ वाटर इज डिस्टल्ड वाटर यानी इसमें तमाम जो साल्ट्स होते हैं वो खत्म किए गए होते हैं देर आर नो साल्ट डिजॉल्व सॉल्टस और डिजॉल्वड कंटिन इन इट इसमें कुछ भी साल्ट या कंटिनस नहीं होते हैं एज अल्ट इट इज़ पोअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नतीजा जो सॉल्टस इंक्रीज करते हैं ना कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो यहाँ पे जब ही काम है तो इसलिए ये इसको कहते हैं पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इसमें बहुत कम जो इलेक्ट्रिसिटी वो पास होती है चलिए इसके बाद जो है नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन रहने वाला है ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका डिफाइन इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन ये भी क्वेश्चन आ सकता है ये आप ध्यान में रखेंगे तो हम आंसर लिखेंगे द इंड्यूस्ड करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल इन एस सर्किट इज ऑलवेज इन अपोजिशन टू द मैग्नेटिक मोशन यानी जो भी करंट uh, हम गुजारते हैं ना इलेक्ट्रिक करंट में वो अपोजिट होते हैं किसको मैग्नेटिक मोशन के इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड करंट एज अ रिजल्ट ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ये वहां पर आपको आ सकता है तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये वाला देखिए इट इज़ एडवाइजेबल टू कट द इलेक्ट्रिक सप्लाई बिफोर पुटिंग वाटर ओवर ए फायर कॉज ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी यानी जब भी कभी इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू कहीं पे आग लग जाती है तो उसको बुझाने के लिए हम पहले क्या करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी को बंद करना पड़ता है पानी फेंकने से पहले क्यों वहाँ पे आंसर देखिए इफ़ नॉट डिस्टर्ड वाटर इज एन एक्सलेंट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी जो नॉर्मल जो आम पानी होता है उसमें सॉल्ट जालू होते हैं और वो गुड कंडक्टर होता है इफ़ पावर्ड ऑन फायर जनरेटर बाई इलेक्ट्रिसिटी इट मे इट मे एक्सबरेट दिचुएशन रिजल्टिंग इन एक्सीडेंट्स तो वहाँ पर आग ज़्यादा बढ़क सकती है तो थ्रू वाटर करंट पास भी हो सकती है और वहाँ पर मौत भी हो सकती है एज अ रिजल्ट बिफोर पुटिंग वाटर ऑन फायर काज बाई इलेक्ट्रिसिटी इट इज गुड आइडिया टू टर्न इट ऑफ द पावर तो इस स्टार्ट होती है कि इससे बिजली से पहले हमें बिजली को बंद करना चाहिए तब जाके उस पर हम पानी फेंक वरना वहाँ पे पानी फेंकने वाले को भी वो अपने लपेट में ले सकता है थ्रू करंट है, और उसकी मौत भी वाका हो सकती है चलिए नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं जो हमारा है नेक्स्ट चैप्टर वो है क्रॉप प्रोडक्शन देखिए यहाँ पे प्रो क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट इसके चार मार्क्स हमारे समेटोस एटमेंट रखे गए हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन या की बात करेंगे द इंस्ट्रूमेंट कंबाइन इज यूज फॉर तो किसके लिए होता है करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी बोथ हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग के लिए इसके बाद है दूसरा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फॉल्स अबाउट द क्रॉप स्टोरीज ये नहीं आएगा वहां पर ट्रू फॉल्स नहीं होते हैं नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे देखिए थर्ड आंसर है इज डाइजेस्ट फेस्टिवल विद हार्वेस्टेशन कौन सा है दशहरा गणेश चतुर्थी या या क्रिसमस तो ऑप्शन इसका रहेगा ए जो दशहरा है ये किसके लिए फेस्टिवल है क्रॉप यानी जब फसल पक जाती है और वो काटने को आती है इसके बाद नेक्स्ट जो आपका है राजू इज अ फार्मर ही हैज प्लोड द फील्ड बट नीड्स टू तो लेवल इट ले विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन ही यूज टू तो लेवल द फील्ड अपने लेवल को उसने खोदा है प्लो किया है अब उसको लेवल करनी है किस कौन सा चीज उसको आप वहाँ पे हेल्प कर सकते आंसर रहेगा द करेक्ट ऑप्शन इज ए दैट इज लेवलर लेवलर वहीं से आंसर है इसका नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन इनमें से इरीगेशन के लिए कौन नॉट जो सोर्स नहीं है वो क्या है करेक्ट ऑप्शन इज डी ओशनज ओशन से हम बाकी ओशन से पानी नहीं भर सकते फील्ड बाकी ट्यूबवेल डैम और लेक से हम ला सकते हैं तो ओशनज ये ज़मीन क्योंकि उसमें क्या पानी होता है खारा पानी होता है विद द सॉल्ट्स नेक्स्ट जो है विच वन ऑफ दीज क्रॉप इज कल्टिवेटेड जूरिंग विंटर सीजन इनमें से विंटर सीजन में कौन सा फसल जो कटता है हार्वेस्ट होता है तो ऑप्शन रहेगा वो है बी दैट इज लिनसीड ये आंसर रहेगा इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन रहने वाला है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है ये आप जहन में रखें डिफ्रेंश बिटवीन खरीफ एंड राबी क्रॉप्स मॉडल पेपर में भी आया लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहेगा स्टार इसको आप तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट आ सकता है तीन मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है आप यहाँ पे देखिए खरीफ क्रॉप्स में क्या होता है क्रॉप्स ग्रोन इन रेनी सीजन इज खरीफ क्रॉप यानी जो आ, जो बारिशों का महीना होता है उनमें खरीफ क्रॉप्स को उगाया जाता है और क्रॉप्स कब होते हैं क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर सीजन आर रॉबिक यानी जो विंटर में हम फसल उगाते हैं जहाँ अगर कश्मीर की बात करें यहाँ पे जो सरसों होता है तो वो

वीट हाँ ग्रैम पी और मस्टर्ड ये रॉबी करॉप ये इसलिए ये वाले पार्ट को आप ज़्यादा ध्यान में भी रखेंगे ये एम सी क्यूज भी वहाँ से आ सकता है मल्टीपल चॉइस यानी खरीफ और रॉबी करॉप्स के बारे में पूछा जा सकता है वहाँ पे नेक्स्ट जो यहाँ पे है एग्जाम्पल ऑफ ग्यू एग्जाम्पल ऑफ फर्टिलाइजर्स आ सकता है जिसमें क्या होता है यूरिया ये भी फर्टिलाइज़र है अमोनियम सल्फेट इसके बाद सुपर फॉस्फेट और पोटाश और एन पी के हाँ ये सारे जो है ये है फर्टिलाइजर्स यानी जो हम अपने ज़मीनों में डालते हैं सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स ये सब है इसके बाद देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक और एक पॉइंट है व्हाट डू यू मीन बाय टर्म इरिगेशन इरिगेशन का मतलब क्या है तो आंसर रहेगा इरिगेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल यानी जो हम अपनी फसलों को टाइम टाइम पर पानी डालते हैं या उनमें उस खेत में पानी भरते हैं टाइम उसको इरिगेशन कहा जाता है इरिगेशन टाइमिंग एंड फ्रीक्वेंसी डिफर फ्रॉम क्रॉप क्रॉप यानी अलग अलग जो क्रॉप होगा अलग अलग फसल को अलग अलग टाइम पर पानी की ज़रूरत होती है सॉइल सॉइल ज़मीनों पर भी डिपेंड होता है किसी ज़मीन को ज़्यादा पानी की जरूरत पड़ती है किसी को कम पड़ते हैं एंड सीज़न टू सीज़न और सीज़न कौन सा चल रहा है कि गर्मी का सीज़न चल रहा है या सर्दी का सीज़न चल रहा है उस हिसाब से भी इरिगेशन हमें देनी पड़ती है कहीं पे ज़्यादा और कहीं पे कम इसके बाद हम आगे क्वेश्चन जो यहाँ पे हैंडफुल ऑफ सीड्स आर गिवन टू यू हाउ विल यू सेपरेट हेल्दी सीड्स फ्राम डैमेजड वन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है यानी अगर आपको एक आ, आपके हाथ में कुछ सीरीज दे दी जाए आपको कैसे डिफ्रेंश करते हैं कौन से हेल्दी हैं और कौन से डैमेज हैं जो खराब हैं जो आपको यूज नहीं करने चाहिए तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्टिविटी uh, आनी है फिल ए बीकर हाफ वे विद वाटर आपको एक बीकर में पानी डालना है सम सीड्स इन टू इट और इसमें से सीड्स डालने हैं एंड मिक्स वेल well पूरा उनको मिलाना है सेट अलोन फॉर ए वेल कुछ टाइम के लिए छोड़ देना है यू विल नोट कुछ सीड्स उनमें ज़मीन यानी नीचे बोतल के नीचे बैठेंगे बीकर के नीचे बैठेंगे पानी के नीचे बैठेंगे और कुछ ऊपर पानी के फ्लोट uh, हो जाएंगे पानी के ऊपर रहेंगे डैमेज सीड्स बिकम हॉलो एंड लाइटर क्योंकि जो डैमेज होते हैं ख़राब जो सीड वो लाइटर हो जाते हैं वो ऊपर चढ़ेंगे विच अलोज दैम टू फ्लोट यानी पानी के ऊपर जो तैरते होंगे जो सीड्स वो खराब हैं चलिए नेक्स्ट इसके बाद जो आपका आ रहा है यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए जो इम्पोर्टेंट हाँ आपका रहने वाला व्हाट इज क्रॉप रोटेशन व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट ये क्यों है? ये तीन मार्क्स का क्वेश्चन या दो का क्वेश्चन आ सकता है आ सकता है इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा ये तो क्रॉप रोटेशन क्या है क्रॉप रोटेशन इज अ वे ऑफ रेस्टोरिंग न्यूट्रेंट इन सॉइल बाई प्लांटिंग वेरियस क्रॉप्स इन ऑर्डर तो किसी एक ही जमीन के टुकड़े पर हम अलग अलग फसल बोते हैं ना कभी एक कभी दूसरी ताकि उस जमीन की जो न्यूट्रेंट वैल्यू है वो बनी रहे तो ग्रोइंग रिज्यूम्स एज फूड वन सीजन एंड वीट द नेक्स्ट इज वन सीजन जैसे किसी ज़मीन पे हम लिजूम्स एक आ, सीजन में उगाते हैं फिर दूसरे सीजन में क्या होता है हम वीट उगाते हैं तो इसको आ, कहा जाएगा इट इज़ क्रॉप रोटेशन इट इज़ सिग्निफिकेंट इसकी ज़रूरत क्यों है ये क्यों फायदा मंद इट इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट एड्स इन नाइट्रोजन रिप्लेसमेंट इन दॉयल क्योंकि आ, जो आ, कोई फसल आप उगाते हैं ज़मीन में तो उसकी फर्टिलिटी कम होती है तो क्रॉप रोटेशन से उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है नाइट्रोजन रिप्लेसमेंट ये जो उसमें कम मिकदार होती है नाइट्रोजन वो दूसरी फसल से आ जाती है बराबर तो इस ज़मीन के टुकड़े की जो फर्टिलिटी है वो दोबारा से बराबर हो जाती है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट है लिस्ट एडवांटेज ऑफ मैन्यर ओवर फर्टिलाइजर्स तो जो मैन्य है जो घर की हम डालते हैं जो गोबर वगैरह डालते हैं या बाकी चीज़ें डालते हैं ज़मीन में तो वो क्यों है बेहतर फर्टिलाइजर से जो हम सिंथेटिक फर्टिल जो खादें डालते हैं आंसर रहेगा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉयल इंप्रूव बाई मैनूर यानी जो मैनोर होता है जो हम घर की खाद डालते हैं यानी जो गोबर वगैरह होता है उससे वाटर कैपेसिटी जो ज़मीन में होती है वो बढ़ जाती है इसके अलावा दूसरा है द टेक्स्चर ऑफ सॉयल इम्प्रूव बाई मैनूवर तो जो टेक्स्चर होता है सॉयल का वो दिन ब बे दिन बेहतर रहता है यानी वो बढ़िया ज़मीन बन जाती है मैनोवर से और तीसरा है द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स इंक्रीज बाय मैनूर और जो फ्रेंडली माइक्रोब्स यानी जो ज़मीन के लिए फायदेमंद होते हैं पेड़ पौधों के लिए फ़ायदेमंद जो माइक्रोब्स होते हैं वो मैनूर से बढ़ जाते हैं नेचुरली इससे बेनिफिट ही मिलता है एक एग्रीकल्चर सेक्टर में या उस जमींदार को नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये भी है डिफाइन हारवेस्टिंग ये भी टू मार्क्स क्वेश्चन आ है द कटिंग ऑफ मैनूर क्रॉप मैनली ओवर बाई मशीन इज नोन एज हारवेस्टिंग तो uh, द कटिंग ऑफ मैचर क्रॉप यानी जब क्रॉप आपकी जो भी फसलें उगाई है फिर आप वो काटते हैं किसी टाइम पे तो उसको हार्वेस्टिंग कहा जाता है आप कभी मशीन से भी उसको काट सकते हैं कभी मैनुअली भी काट सकते हैं हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स कैन बी डन इधर बाई पुलिंग आउट द क्रॉप्स फ्राम द फील्ड और कटिंग डेम क्लोज टू द ग्राउंड कभी कभी हम जमीन से इसको जड़ों के साथ या रूट्स के साथ निकालते हैं लेकिन कभी कभी जैसे दान वगैरह है पैड़ी उसको हम जमीन के नज़दीक काटते हैं In our country, harvesting is either done by sickle or by harvest. मशीन तो ज्यादातर तो होता है, जो जो बिल्कुल लोग वहां पे यूज करते है या कहीं कहीं पे बड़े बड़े खेतों में पंजाब बात वहां पे भी यूज में लाई जाती है पहले कि हम नेक्स्ट चैप्टर यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है या थोड़ा ध्यान रखेंगे क्योंकि लेटेस्ट कंसेप्ट है ड्रिप इरीगेशन सिस्टम ये आता है वट इज ड्रिप इरीगेशन सिस्टम क्वेश्चन आ सकता है तो आपको क्या लिखना है द वाटर फॉल्स एग्जैक्टली नियर द रूट इन द अरेंजमेंट्स ड्रॉप बाई ड्रॉप एज अ रिजल्ट इट इज़ नोन एज ड्रिप सिस्टम यानी जो आज जैसे इसके हम कहते हैं कि जो प्लांट्स में जैसे कि हाई डेंसिटी एपल ट्रीज जो लगाते हैं वहाँ पे हर एक पौधे के जड़ पे पानी ड्रॉप बाई ड्रॉप गिरता है थ्रू ए पाइप तो उसको हम इरीगेशन सिस्टम कहते हैं ड्रिप इरीगेशन सिस्टम इट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मैथड ऑफ वाटरिंग फ्रूट ट्रीज़ तो जो इसे मैंने कहा कि एप्पल ट्रीज़ में आज ज़्यादा कश्मीर में पाया जाता है यही गार्डन आज लगाए जाते हैं गार्डन एंड ट्रीज सिंस नो वाटर इज वेस्ट क्योंकि इसमें पानी बिल्कुल ज़ाया नहीं होता है इट इज गिफ्ट इन एरियाज वेर इज शॉर्टेज ऑफ वाटर खासतौर उन इलाकों में जहाँ पानी की किल्लत होती है ये सबसे मौजून वहाँ पे रहता है नेक्स्ट चैप्टर आपका होने वाला है सम नेचुर फेनामिना तो इसके चार मार्क्स रखे गए हैं समे टू एसेमेट में तो यहाँ पे बात करेंगे पहला जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाला है इसमें से हो सकता है जो इम्पोर्टेंट रहने वाला है विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बी चार्ज ईजिली बाई फ्रिक्शन तो फ्रिक्शन से कौन सी चीज इनमें से जल्दी हम चार्ज नहीं कर सकते हैं कॉपर रॉड प्लास्टिक स्केल या वूल क्लॉथ एंड इन्फ्लेटेड बैलून तो आंसर रहेगा ए जो है नॉट बी चार्ज ईजिल बाई फ्रिक्शन बाई ए गिलास रॉड वैन इट इज रब विदिल जब हम एक गिलास रॉड को सिलिक के साथ रब करते हैं घसीटते हैं तो वहाँ पर क्या होता है नेगेटिव चार्ज होती है पॉजिटिव चार्ज होती है या न्यूट्रल या रिमेन्चेंज तो आंसर रहेगा उसका बी पार्ट जो आप करेगा पॉजिटिव चार्ज वहां पे डेवलप हो जाते हैं वहां पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होती है यहां पे देखिए आंसर इसके बाद द शिंग ऑफ अर्थ इज कॉल्ड तो ये आपको पहले ही पता होगा दैट इज कॉल्ड अर्थ क्वेक यानी जब जमीन हिलती है मकान हिलते हैं तो उसको अर्थ क्वेक कहा जाता है या ये हाथ में रखेंगे इंपॉर्टेंट ही एम सी क्यूज है ईजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है इसके बाद इंट्रैक्शन ऑफ चार्जेज इज कॉल्ड तो क्या रहेगा इसका आंसर दैट इज लाइटनिंग इज द यहाँ पे देखिए आंसर ए रहेगा लाइटनिंग इज ऑफ चार्जेस इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका आने वाला है वो है सिक्स द लाइक चार्जेस लाइक चार्ज क्या होते हैं उनमें क्या होता है अगर एक ही चार्जेस होंगे तो वहाँ पे रिपेल ई अदर अट्रैक्ट ई चादर या नो इंट तो यहाँ पे आंसर जो आपका रहेगा वो रहेगा रिपेल ई अदर यानी वो एक दूसरे से दूर भागते हैं जब एक ही किस्म की चार्ज दो बॉडीज में होगी बस शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन आते हैं दो या तीन मार्क्स के पहला है व्हाट इज इलेक्ट्रोस्कोप तो इलेक्ट्रोस्कोप किसको कहते हैं ए डिवाइस फॉर डिटेक्टिंग और डिटरमाइनिंग द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बाय मीन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन एंड रिपल्शन इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोस्कोप तो इलेक्ट्रोस्कोप हम उससे क्या डिटेक्ट करते, है? करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज डिटेक्ट करते हैं डिफाइन अर्थिंग तो अर्थिंग इंपॉर्टेंट शॉर्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अर्थिंग किसे कहते थार हैं अर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग चार्ज फ्रॉम चार्जड ऑब्जेक्ट्स टू द ग्राउंड यानी जमीन में अगर की कोई चार्जड बॉडी से हम जमीन में जो हम वायर ले जाते हैं उसको हम आमतौर पे अर्थिंग कहते हैं इसके बाद इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होने वाला ये तीन मास का भी आ सकता है ये क्वेश्चन व्हाट इज़ मेन पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग अर्थिंग इन बिल्डिंग्स तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो होती है उनमें या घरों में हम क्यों अर्थिंग करते हैं तो ये उसको बचाने के लिए आंसर आपका रहेगा इन बिल्डिंग्स देयर मे बी एन

कभी ना खुदा न नखास्ता जो नंगी तार होती है जिससे इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वो आ, बिल्डिंग में कहीं पे लीकेज अगर हो जाएगी करंट की तो उस चार्ज को ज़मीन में डायरेक्टली वहाँ पे ले जाने के लिए ताकि जो इंसान वहाँ पे रहते हैं उनको कोई इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे तो इसलिए इंसानों के बचाव के लिए इलेक्ट्रिक शॉक से बचाने के लिए एक बिल्डिंग में अर्थिंग की जाती है इसके बाद जो है यहाँ पर देखें क्वेश्चन आ रहा है वट डू यू मीन बाई लाइटनिंग कंडक्टर आंसर लगेगा कि लाइटिंग कंडक्टर क्या होता है लाइटिंग कंडक्टर इज एन डिवाइस यूज टू प्रोटेक्ट टॉल बिल्डिंग्स फ्रॉम द डैमेज इफेक्ट्स ऑफ लाइटनिंग यानी जो बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंग होती है उनमें एक तार ऊपर तक चढ़ाई जाती है उसको लाइटिंग कंडक्टर कहते हैं ताकि कभी अगर आसमान से बिजली गिरती है उस बिल्डिंग पे तो थ्रू उस कंडक्टर के वो ज़मीन में चला जाती है इट रन फ्रॉम द टॉप टू बॉटम एलोन द आउटर वॉल ऑफ एनी अदर सब्जेक्ट ऑफ द बिल्डिंग विच इज टू बी प्रोटेक्ट यानी बाकी बिल्डिंग बच जाती है वरना सारी बिल्डिंग को नुकसान हो सकता है वो जल सकती है तो इस इलेक्ट्रिक पाथ से वह जमीन में चली जाती है जो हाई करंट आसमान से गिरते हैं जो बिजली कड़कने से गिरते हैं उस बिल्डिंग पे तो बाकी बिल्डिंग या उसमें इंसान जो है वो बच जाते हैं तो यहाँ पे देखिए इफ लाइटिंग स्ट्राइक द बिल्डिंग और एनी अदर ऑब्जेक्ट दैन द लाइटिंग कंडक्टर प्रोडक्शन ईजी डायरेक्ट पाथ फॉर लाइटिंग बोल्ट टू पास द ग्राउंड विदाउट एफेक्टिंग दैम यानी इसी तार की वजह से जो लाइटिंग आसमान से जो बिजली गरजती है अगर खुदा नखा किसी बिल्डिंग जो ऊंची होती है उस पर ख़तरा रहता है बिजली गिरने का तो इसी इलेक्ट्रिक पाथ से वो ज़मीन में चली जाएगी और वो सारी बिल्डिंग और उसमें रहने वाले लोग बच जाएंगे इसके बाद क्वेश्चन uh, है इंपॉर्टेंट वाट आर टेक्टोनिक प्लेट्स तो यहाँ पर आप देखेंगे द स्पेयर ऑफ दर्थ इज़ फ्रैगन मनी पीसिस तो लिथुसपेयर जो अर्थ किया है इसमें बहुत से हिस्से हैं ईच फ्रैगमेंट इज कॉल्ड प्लेट उनको प्लेट किया जाता है ऑल्सो कॉल्ड ए टेक्टोनिक प्लेट उनका दूसरा नाम है टेक्टोनिक प्लेट दीज प्लेट्स आर इन कंटिन्यूस मोशन दे फ्लोट ओवर हॉट मैग्मा क्योंकि वो हॉट मैग्मा के ऊपर होते हैं तो इनमें में कंटिन्यूसली मूवमेंट रहती है इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका आ रहा है व्हाट काज एन अर्थक्वेक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे देखिए द टेक्टोनिक प्लेट्स आर इन ए कंटिन्यू मोशन वैन दे ब्रश पास अदर ए पलेट गिजन एंड द काज एंड काज अर्थ इज क्रैश टू दिसक ऑन दर्विस अर्थ जो टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं हम पहले ही जान चुके हैं कि वो कंटिन्यूस मूवमेंट में होते हैं वो मैग mag, एक मैगमा पे होते हैं एक फ्लूट ऊपर करते हैं इधर उधर तो कभी कभी वो आपस में थोड़ा सा ब्रश अप थोड़ा सा टच कर जाते हैं और ज़मीन हिलने लगती है उसको हम ऊपर जो कहते हैं कि हमारी जो ज़मीन हिली या बिल्डिंग्स हिल रहे उसको हम कहते हैं इट इज़ एन अर्थ कोएक तो इसके बाद देखिए वालकैनिकरप्शन कैन आल्सो बी कॉज ऑफ ट्रिमर्स ओवर द अर्थ सर्फिस यानी कभी अगर इरप्शन जो लावा निकल के आता है ज़मीन से उससे भी जमीन हिल सकती है वो भी अर्थ क्वेक का सबब बन सकती है ये क्वेश्चन आप जहन में रखेंगे तो शॉर्ट आंसर टाइप कुछ अर्थ क्वेक किसको हम अर्थ क्वेक अगर तो किससे हम मेजर करते हैं तो उससे उसको हम रिक्टर स्केल कहते हैं ये एम सी क्यों आ सकता है रिक्टर कि स्केल uh, किस मेजरमेंट uh, किसे हम कहते हैं अर्थक्वेक का दैट इज कॉल्ड रिक्टर स्केल और खतरनाक जो सबसे माना जाता है किस पर्टिकुलर uh, लेवल से माना जाता है तो हायर देन सेवन अगर सेवन रिक्टर स्केल से ऊपर कोई अर्थक्स उसको खतरनाक माना जाता है और नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है व्हाट इज सीज्म्राफ सीज्म्राफ क्या होता है अर्थक्वेक प्रोड्यूस वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ दीज आर कॉल्ड सीजमिक वेव्स आर रिकॉर्डेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सेजमोग्राफ तो अर्थ के जब भी आता है तो सीज्मिक वेव्स प्रोड्यूस करता है उन वेव्स को हम किससे मेजर कर सकते हैं दैट पर्टिकुलर इज़ कॉल्ड सेज्मोग्राफ और उसके बाद फॉल्ट जोनस के बारे में अर्थ को इक्स वाट आर फॉल्ट जोनस फॉल्ट जोन काज बाई द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स द बाउंड्रीज ऑफ दिज प्लेट्स आर वीक जोनज वर्थ कोर मोर लाइक यानी फॉल्ट जोन जहां पे ज्यादा खतरा रहता है अर्थ के कहानी का दीज वीक जोन आर ऑल्सो नोन एज सिज्मिक और फॉल्ट जोन इनका दूसरा नाम है फॉल्ट जोन्स का दूसरा नाम है सिज्मिक जोन्स भी आप याद रखेंगे